ओम्स लॉ के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, बी कोस टू आई आर, क्या यही फॉर्मूला ओम्स लॉ को डिफाइन करता है? अरे नहीं भाई, ये फॉर्मूला ओम्स लॉ को डिफाइन नहीं करता है। अच्छा तो फिर ये क्या करता है? ये रेजिस्टेंस को डिफाइन करता है, मतलब कि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम चेंज करेंगे तो वोल्टेज की वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन क्या ये पॉसिबल होता है? वोल्टेज सोर्स की वैल्यू चेंज हो सकती है? नहीं हो सकती। तो फिर ये है क्या भाई? ये वोल्टेज ड्रॉप को शो करता है, वोल्टेज ड्रॉप में हमें रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी में पता चलती है, ठीक है? तो ये फॉर्मूला रेजिस्टेंस को डिफाइन करता है। अच्छा ये रेजिस्टेंस को डिफाइन करता है, तो फिर ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, ये होता है एक्चुअल ओम्स लॉ। ये हमें बताता है कि अगर हम वोल्टेज की वैल्यू को चेंज करेंगे तो करंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। यहां पर एक कांस्टेंट होता है 1/R, ठीक है? ये होता है एक्चुअल ओम्स लॉ, जो कि सिर्फ ओमिक कंडक्टर के लिए एप्लीकेबल होता है, जबकि ये वाला फॉर्मूला ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है।